पापा तुम मेरी शादी तो कर रहे हो मगर बलीमा भी जरूर करना। देख भाई मेरा बजट नहीं है बलीमा करने का। पापा बलीमा तो मेरा करना वरना मेरी दोस्तों में बेइज्जती हो जाएगी। एक मिनट आइडिया, कल है बकरीद और कट्टा लेके चलना, घरों घरों से गोश्त मांगेंगे, उसी में तेरा बलीमा कर दूंगा मैं। ठीक है पापा। भैया गोश्त है कुर्बानी का, वो तो भैया दे दो ला भैया। चलो पापा। बेटा बहुत गोश्त इकट्ठा हो गया, इतने में दो बली में हो जाएंगे। अरे चचा ये कट्टा कहाँ भर के ले जा रहे हो, क्या है इसमें? बेटे वो वलीमे का इंतजाम कर रहा है। वो वलीमे का इंतजाम मतलब? हमारे पास ना वलीमे के पैसे नहीं थे तो हमने सोचा ना बकरीद का गोश्त इकट्ठा करके उसी का वलीमा कर देंगे। भाई तुम्हारी अगर गोश्त उश हो तो एक एक थैली भर के लिया। अबे चला जा कल्लू। चल बेटा। ओए जावेद कल से मेरी इन काम पे आ जाइए, तेरे बाप मुझसे 20,000 रुपए ही बाकी ले गए तेरे ऊपर। इस बुड्ढे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। भैया अपने बाप से कह दे कुर्ते पजामे के पैसे पहुंचा दे। अबे तो क्या मुझसे पूछ के सिया था उस बुड्ढे का पजामा? चुपचाप पैसे पहुंचवा दे वरना तुझे मारूंगा। ये बुड्ढा तो मेरी जिंदगी खा गया। बेटा जावेद मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अरे जल्दी बताओ क्या ख्वाहिश है। बेटा जब मैं मर जाऊँ तो मेरे हलक में डंडा कर दियो। ठीक है पापा। सुनो गांव वालों, जावेद के पापा खत्म हो गए। अरे ये इनके मुंह में डंडा कैसा? मैं बताता हूँ वो बात। अरे जावेद क्या बात, इतना परेशान क्यों है? अरे यार भैया मैं अपने बाप से बहुत परेशान हूँ, दिल चाह रही है बुड्ढे के हलक में डंडा कर दूँ। इसका मतलब काप हड्डे, तूने अपने बाप को मारा? जल्दी बुलाओ पुलिस को और इसे उठाओ। अबे बुड्ढे मरते मरते मुझे फंसा गया। सलाम आले तुम बतीम भाई। वालेकुम सलाम। अरे क्या हुआ यार? शादी करवा दू मेरी यार, मैं तुम्हारे आधे हाथ धो लिया। अरे देख मैं तेरी शादी तो करा दूंगा लेकिन वहाँ तू बोलिए मत वरना तू ये तोतला समझ के शादी नहीं करेंगे। अरे भैया क्या बात कर लिया, मैं अभी तक जा रही हूँ। अरे आइए आइए अंदर आइए, बैठो बैठो। आखिरी रिश्ता आया ये, कुछ बोलियो मत, जाओ चाय ले। ठीक है पापा। लोलिया तो बहुत अच्छी है। अबे कुछ बोल मत। बेटा चाय ठीक है? अरे चचा चाय बहुत अच्छी है। तुया तुया तुया। ताए ताए मालो 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 ताए। यही बनेगा हमारे घर का दामाद। अरे बेटा जावेद जल्दी से तैयार हो जा, तेरे लिए लड़की देखने जाना है। अरे जल्दी चलो ना। आइए 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 आइए। पहले लड़के से पूछ तो लो क्या करता है। तो आप क्या काम करते हैं? मेरा काम शटरिंग का है। और कमा कितना लेते हो? दो दिन में इतना कमा लेता हूँ कि पूरे महीने बैठ के खा लूँ। समझ में नहीं आ रही है, सब बातें मेरे बाप से पूछ रहा है, मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा है। अरे कुछ लेन देन की बात कर लो। अरे तो कुछ लेन देन की बात कर लें। देखो भाई दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, ये समझ लो एक कील नहीं चाहिए। तो आप भी ये समझो हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। अरे भैया लड़का मैं हूँ, ये तो मेरे बाप है। पापा मना करा तुमसे, हर जगह हीरो बन के मत जाया करो। अरे यार ये तो 3 इंची बड़ा है। पापा ये मैं कुर्ता पजामा लेके आया था, ये 3 इंची बड़ा है, इसे काट दो कलीद है। मेरे पास टाइम नहीं है, चला। पजामा 3 इंची बड़ा है, इसे काट दे कलीद है। मुझे खुद कपड़े लेके आना है। मेरा पजामा कोई काटने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद 3 इंची काट के छोटा कर लेता हूँ। उसका 3 इंची पजामा काट के मैं सी दूँ। अरे यार नींद तो आनी रही है, एक काम करता हूँ भाई का 3 इंची पजामा छोटा कर देता हूँ जब तक। अरे क्या हुआ, 3 इंची छोटा कर दिया तेरा पजामा? अरे पापा 3 इंची तो मैंने भी छोटा कर दिया था। अबे 3 इंची छोटा पजामा करके तो मैं सोया था। अबे बुड्ढे तूने मेरी ईद खराब कर दी। भाई 3 गमले पसंद दे देना।
भाई मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। ओए हट दुकान के सामने से, कस्टमर को भड़काता है। ओए दुकानदार तुझे बोलने तो नहीं है, ला इधर को पैसे। लो भाई पैसे, इन पैसे को कुछ खा लेना। लो भाई 2 kg आटा दे देना। भाई मेरे 2 दिन से पेट में दर्द हो रही है, दवाई के पैसे दे दे। हट को। ए दुकानदार तुझे 2 पैसे की अकल नहीं है? एक तो गरीब की मदद नहीं करता है, ऊपर से इसके ऊपर हाथ उठाता है। अरे ये ऐसी कस्टमरों से मांगता है, इसके चक्कर में मत पड़ो। इधर ला पैसे, नहीं चाहिए। चलो बेटा पैसे, चलो ऊपर उठ। बता कितनी कमाई हुई? 1000 रुपए की हो गई, 500 तुम्हारे 500 मेरे। अलग अलग कस्टमर है, जल्दी बैठ। अरे सुल्तान भाई ये अच्छा है भाई। सुल्तान भाई तुमने कारीगर तो यार बहुत बढ़ा लिए। काम तो इस वक्त हमारा दबा के चल रहा है, तुम बताओ। अगर इसका काम ऐसे ही चला तो ये महीने का 1 लाख रुपया तो कम से कम कमाएगा, और हम क्या कद्दू कमाएंगे। अच्छा भाई सुल्तान भी चलते हैं। ये तुझे कितने पैसे देता है? मुझे 300 रुपए रोज देते हैं ये। अगर 500 रुपए मिल जाए तो क्या बुरे हैं? अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। कल से तू मेरे कारखाने में आ जा, तुझे 500 रुपए दूंगा और सारे कारीगर को तोड़ के लिया। ठीक है जावेद भाई, मैं कल से सारे कारीगर ले आऊंगा। रियाज काम इतना जाने का, कारीगर कहाँ सब? अरे कारीगर तो सारे जावेद भाई के पास चले गए। साला बड़ा हरामी निकला, तभी मेरे कारखाने में रोज आ रहा था। जल्दी जल्दी काम करो, सबको ईद में कपड़े बना के दूंगा। अरे भैया तूने सारे कारीगर तो लगा लिए, एक काम कर अब मुझे भी लगा ले। बैठ जाओ तो मेरी 500 रुपए रोज दे दूंगा। अरे नहीं है मेरे पास, आगे निकल। अरे दे दे भाई, गूंगा है। क्या हुआ, पेट में दर्द है? अच्छा हाथ में दर्द हो रहा? अरे यार ये बीमारी भी बहुत बुरी चीज है। मुंह में दर्द हो रहा तो डेंटिस्ट करने जाओ ना। अबे तुझे भीख नहीं देना है तो मत दे, मेरे अंदर बीमारी क्यों निकाल लिया है? मैं नहीं करूंगा पढ़ाई। मैं नहीं करूंगा पढ़ाई, क्यों नहीं करेगा पढ़ाई? मेरी शादी कराओ, बहुत हो गया। अच्छा तेरी शादी कराऊं, चल मेरे साथ। हाँ भाई कैसे आना हुआ? अरे ये तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है। अच्छा कितने पढ़े लिखे हो तुम? ये 10वें के पेपर देने जा रहा था, इसे पहले शादी करनी है। अनपढ़ इंसान को मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा। देखा बेटा तुमने, अनपढ़ इंसान को कोई अपनी लड़की नहीं देता है, इसीलिए बेटा पढ़ाई करो। पापा मेरे अब समझ में आ गई, ना तो मैं शादी करूंगा और ना पढ़ूंगा। अरे भाई मेरी गाड़ी उठवा देते। मैं क्यों उठवाऊं, खुद उठा ले। वाह यही इंसानियत रह गई है आज की दुनिया में। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, अगर तुम इस गरीब की मदद कर देते तुम्हारा क्या होता? तुम्हें दिख नहीं रही है इसके चेहरे से, इसका रोजा है। किसी गरीब की मदद करके देखिए दिल को कितना सुकून मिलता है। और सुन मेरा भाई, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है, ये बाइक तुझे खुद ही उठाना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम।